मेरा नाम तपस्या साहनी है और मैं राजकीय हाई स्कूल बेती लखनऊ में सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति के पहले पाठ, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आइए पहले वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी समझने के लिए हम श्रीलंका और बेल्जियम की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है और हम ये भी जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी किन किन रूपों में होती है। बच्चों, क्लास 9 में आप ये पढ़ ही चुके हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि आगे चलकर देश की सरकार बनाते हैं तथा देश के नागरिकों के लिए कानून बनाते हैं और देश की शासन व्यवस्था देखते हैं। हमने ये भी देखा था कि लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, यानी शासन करने का जो पावर होता है, वो किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। बस इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए आज हम दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और ये कौन कौन से देश हैं? ये हैं बेल्जियम और श्रीलंका। तो आइए सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। ये है बेल्जियम का मानचित्र। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। जनसंख्या यहाँ की लगभग 1 करोड़ है। पड़ोसी देश इसके हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग। यहाँ की जातीय संरचना बहुत जटिल है, यानी यहाँ पर 1 से ज्यादा जाति के लोग निवास करते हैं। 59% जनसंख्या यहाँ पर डच भाषी है और फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं मैप में, ये है फ्लेमिश क्षेत्र और यहाँ पर 59% जनसंख्या बेल्जियम की रहती है और ये डच भाषा बोलती है। 40% जनसंख्या यहाँ पर फ्रेंच भाषी है और वैलोन क्षेत्र में रहती है। ये जो ऑरेंज वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वैलोन क्षेत्र है और यहाँ पर 40% जनसंख्या बेल्जियम की रहती है और ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है। 1% जनसंख्या यहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वालों की भी है और ये इस शेडेड पोर्शन में रहते हैं। ये जो छोटा सा क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो लाइट ऑरेंज कलर से शेडेड है, ये है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। यहाँ की जातीय बनावट अपने आप में अलग है। यहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषी हैं, जबकि 20% जो लोग हैं वो डच भाषी हैं। यानी अगर आप इस तरीके से देखें तो हर 100 व्यक्तियों में 80 लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और 20 लोग जो है वो डच भाषा बोलने वाले हैं। अब अगर आप ओवरऑल बेल्जियम को देखें तो यहाँ पर संख्या में कौन ज्यादा है? संख्या में ज्यादा है यहाँ पर ये डच भाषी, और अल्पसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषी। लेकिन फ्रेंच भाषी जो हैं वो डच भाषियों से ज्यादा समृद्ध हैं। इनके पास ज्यादा पैसा है, इनके पास ज्यादा ताकत है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से डच भाषी जो है वो फ्रेंच भाषियों से आगे हैं, और समृद्धि और ताकत की दृष्टि से अगर देखें तो फ्रेंच भाषी जो है वो डच भाषियों से आगे है। इस देश में इन समुदायों के बीच सत्ता को लेकर हमेशा टकराव होता रहा है। अब ये टकराव क्यों होता रहा है? इसलिए होता रहा है क्योंकि दोनों ही समुदायों के लोगों को लगता था कि अगर सत्ता उनके समुदाय के प्रतिनिधियों के हाथ में आती है तो ही उनकी भाषा और संस्कृति का विकास हो सकता है, और अगर सत्ता दूसरे समुदाय के प्रतिनिधियों के हाथ में चली जाती है तो उनकी भाषा और संस्कृति को खतरा हो सकता है। अब आइए हम श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका भारत है। श्रीलंका का मानचित्र। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये द्वीपीय देश क्या होता है? द्वीपीय देश वह देश होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह
हमारे तमिलनाडु तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। स्वतंत्रता इसको 1948 में मिली थी, जैसे हमारा देश अंग्रेजों से आजाद कब हुआ था 1947 में, उसी प्रकार से श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में। यहाँ की जातीय संरचना को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 74% लोग जो है वो सिंघली समुदाय के हैं और सिंघली भाषा बोलते हैं। ये लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जबकि 18% लोग जो हैं वो यहाँ पर तमिल समुदाय के हैं और ये तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लोग कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ लोग मुसलमान हैं। अगर हम इन 18% तमिल भाषियों को फर्दर डिवाइड कर दें तो इनमें से 13% जो है वो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और 5% जो है वो भारतीय मूल के तमिल हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिलों से हमारा मतलब है उन तमिलों से जिनके दादा परदादा शुरू से श्रीलंका में ही रहते आए हों, जबकि भारतीय मूल के तमिल कौन है, ये औपनिवेशिक शासन काल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं, इसीलिए इनको भारतीय मूल के तमिल कहा जाता है। 7% लोग यहां पर ईसाई धर्म के भी हैं और कुछ ईसाई जो है वो सिंगली भाषी हैं और कुछ ईसाई जो है वो तमिल भाषी हैं। यहां पर भी सत्ता को लेकर इन समुदायों के बीच में हमेशा तनाव रहा है। अब हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों ही देशों ने अपने यहां सत्ता को लेकर होने वाले तनावों से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। अब सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे कि श्रीलंका ने कौन से कदम उठाए। इस देश में सिंगली समुदाय जो कि 74% थे, उन्होंने अपनी संख्या का फायदा उठाया और शासन पर अपना कब्जा जमाया। क्योंकि ये लोग बहुसंख्यक थे, संख्या में ज्यादा थे, तो क्या किया इन्होंने, अपनी संख्या का फायदा उठाया। कैसे? क्योंकि इनके प्रतिनिधि ज्यादा जीत कर आते थे चुनाव में और ये बहुमत हासिल कर लेते थे और सरकार बना लेते थे। सरकार बनाने तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने सरकार बनाने के बाद सत्ता का फायदा उठाना शुरू कर लिया। जैसे 1956 में कानून बनाकर इन्होंने अपनी भाषा सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। ये राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा है जिसमें सारे सरकारी काम किए जाते हैं, तो इन्होंने सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों में सिंगली समुदाय के छात्रों को इन्होंने प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, यानी विश्वविद्यालय में इन्हीं के समुदाय के लोगों के ज्यादा एडमिशंस होने लगे। सरकारी नौकरी में भी सिंगली समुदाय के लोगों को इन्होंने प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म जिसका ये पालन करते थे उसको इन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तमिलों की भाषा और संस्कृति को इन्होंने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, यानी इन्होंने पूरी तरीके से पक्षपात होकर शासन किया, यानी इन्होंने भेदभाव की नीति अपनाई। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि तमिलों को अपनी भाषा और संस्कृति खतरे में लगने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे सरकार उनके अधिकार उनसे छीन रही है। श्रीलंकाई तमिलों ने इसीलिए अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने क्या मांगे रखी, उन्होंने ये मांगे रखी कि तमिल को भी राजभाषा बनाया जाए, तमिलों की आबादी वाले क्षेत्र में उन्हें स्वशासन की अनुमति प्रदान की जाए, यानी देश के जिस जिस क्षेत्र में तमिल भाषियों की संख्या ज्यादा है वहां पर इनको अपनी सरकार बनाने की अनुमति प्रदान की जाए, रोजगार और शिक्षा के बराबर अवसर दिए जाए। पर आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका की सरकार ने इनकी ये मांगे मानी होंगी? नहीं, श्रीलंका की सरकार क्योंकि बहुसंख्यकवाद नीति चला रही थी इसलिए उसने इनकी ये मांगे नहीं मानी। सरकार द्वारा ये बातें नहीं मानी गई जिसके कारण यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। ये गृह युद्ध क्या होता है? जब किसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच होने वाली हिंसक लड़ाई एक युद्ध की तरह लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ऐसा लगे जैसे बाहर किसी बाहरी देश ने देश पर आक्रमण कर दिया हो, जबकि लड़ कौन रहा होता है, अपने ही देश के अलग अलग समुदायों के लोग। तो इस गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए, कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई, कई लोगों ने देश भी छोड़ दिया। इस गृह युद्ध का अंत 2009 में जाकर हुआ। अब आइए हम बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं कि बेल्जियम ने अपने यहां सत्ता को लेकर होने वाले तनावों से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए।
श्रीलंका से अलग बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया। यहाँ की सरकार ने अपने यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय अंतरों को स्वीकारा। वे ये नहीं चाहते थे कि उनके देश में किसी भी समुदाय के व्यक्ति को अपने ही देश में बेगानापन महसूस हो, और इसी वजह से उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए। अब ये संविधान क्या होता है? संविधान आसान शब्दों में समझ लेते हैं, संविधान जो है वो कानूनों का संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। हर देश का अलग अलग संविधान होता है, आपके देश का भी संविधान है। तो बेल्जियम ने अपने देश के संविधान में 4 संशोधन किए। ये संशोधन क्या थे? पहला संशोधन, पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार का इन्होंने प्रावधान किया। ये केंद्र सरकार पूरे देश से संबंधित फैसलों पूरे देश से संबंधित मामलों पर फैसले लेगी तथा कानून बनाएगी। इस केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषियों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी इनके बराबर बराबर मंत्री होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। ये भी प्रावधान किया गया कि महत्वपूर्ण कानून तभी पास होगा जब दोनों ही समूह के सांसद बहुमत से उसके पक्ष में हो, यानी फ्रेंच भाषियों के सांसद भी बहुमत से उस कानून के पक्ष में हो और डच भाषियों के सांसद भी बहुमत से उस कानून के पक्ष में हो, तभी कोई पर्टिकुलर कानून जो है महत्वपूर्ण जो है वो पास होगा। दूसरा प्रावधान इन्होंने ये किया कि देश में 2 क्षेत्र हैं, यानी फ्लेमिश क्षेत्र और वैलोन क्षेत्र, जैसा अभी हमने पढ़ा था, तो इन दोनों की क्षेत्रीय सरकारें होंगी, यानी देश में 2 क्षेत्रीय सरकारें होंगी जो अपने अपने क्षेत्र से संबंधित फैसले लेंगी तथा कानून बनाएंगी। ये सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं होंगी। तीसरा प्रावधान इन्होंने ये किया कि राजधानी ब्रुसेल्स की अपनी एक अलग सरकार होगी। इस सरकार में भी दोनों समुदायों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन थे? फ्रेंच भाषी, और 20% कौन थे? डच भाषी। लेकिन फ्रेंच भाषियों ने ये बराबर प्रतिनिधित्व वाली बात कैसे मान ली? उन्होंने इसलिए मान ली क्योंकि केंद्र स्तर पे अगर आप देखें तो बहुसंख्यक कौन थे? बहुसंख्यक थे डच भाषी। तो केंद्र सरकार में डच भाषियों ने भी फ्रेंच भाषियों के साथ बराबर बराबर प्रतिनिधित्व वाली बात मान ली थी, इसी कारण से राजधानी ब्रुसेल्स की सरकार में भी फ्रेंच भाषियों ने ये बराबर प्रतिनिधित्व वाली बात मान ली। चौथा प्रावधान इन्होंने संविधान में ये किया कि यहाँ पर तीसरे स्तर की भी एक सरकार होगी जिसको ये कहते हैं सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे, चाहे वह देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों। यानी फ्रेंच भाषियों की अगर सामुदायिक सरकार बनेगी तो उसका चुनाव फ्रेंच भाषी लोग करेंगे, चाहे वो देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, चाहे वो ब्रुसेल्स में रहते हों, चाहे वो वैलोन में रहते हों, चाहे वो फ्लेमिश में रहते हों, लेकिन वो फ्रेंच भाषियों की सामुदायिक सरकार में वोट डालेंगे। तो इस प्रकार 3 प्रकार की सामुदायिक सरकार भी हो गई इस देश में, फ्रेंच भाषियों की, डच भाषियों की और जर्मन भाषियों की। ये सरकारें करेंगी क्या? ये सरकारें अपनी भाषा, संस्कृति तथा शिक्षा जैसे मसलों पर कानून बनाएंगी तथा फैसले लेंगी। अब हमने दोनों देशों के बारे में जान लिया कि दोनों देशों ने अपने यहां सत्ता को लेकर होने वाले तनावों से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। अब आइए फटाफट से हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करके देख लेते हैं। बेल्जियम का मॉडल है तो बहुत जटिल, परंतु यहाँ सभी नागरिकों को बराबर राजनीतिक अधिकार देने का प्रयास किया गया, सभी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई। सही मायने में यही सत्ता की साझेदारी है, यही लोकतंत्र की आत्मा होती है। इस समझदारी से बेल्जियम ने अपने यहाँ गृह युद्ध होने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। अब बेल्जियम में इतना शांति का वातावरण रहता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है कि यूरोप के कई देशों ने जब अपना संघ बनाने की बात सोची तो ब्रुसेल्स को अपना मुख्यालय चुना। ये देखिए यूरोपीय संघ का ये मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, जो कि ब्रुसेल्स में स्थित है। दूसरी ओर अगर हम श्रीलंका को देखें
तो श्रीलंका में है तो लोकतांत्रिक सरकार, पर यहाँ पर बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई गई, यानी बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों पर अपनी इच्छा थोपी गई। तत्कालिक तौर पर यह लाभकारी लग सकता है, पर दीर्घकाल में इसके नुकसान ज्यादा हैं। जैसे गृह युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यानी कम समय के लिए अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि इसमें क्या गलत है, जो लोग गिनती में ज्यादा है उनके प्रतिनिधि ज्यादा जीत कर आए हैं, वो बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं और अपने हिसाब से जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो जो अल्पसंख्यक हैं, जिनके हाथ में सत्ता नहीं आई है, वो अपने आप को दबा कुचला महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि सरकार उनसे उनके अधिकारों को छीन रही है और समय समय पर वो अपना विरोध जो है वो दर्शाते रहेंगे और देश में गृह युद्ध से हालात बनते रहेंगे। और जब देश में गृह युद्ध होता है तो नुकसान दोनों का होता है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो। अब हमने जाना कि सत्ता की साझेदारी करके बेल्जियम ने समझदारी का काम किया। अब हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके पक्ष में दो तर्क रखेंगे। पहला तर्क ये कहता है, इससे देश में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, देश में शांति का वातावरण रहता है। दूसरा तर्क कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। तो असली लोकतांत्रिक सरकार वही होती है जो सभी समूहों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करे। अब यहाँ पर पहला जो तर्क है वो हमने हानि और लाभ को देखकर दिया, यानी हानि और लाभ को देखकर हमने फैसला लिया। इस प्रकार का तर्क कहलाता है युक्तिपरक तर्क, जब हम हानि और लाभ को देखकर फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने नैतिकता के आधार पर फैसला लिया, तो इस तरीके का फैसला जो नैतिकता के आधार पर लिया जाता है इसको कहते हैं नैतिक तर्क। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहते हैं और आप ये सोच के मदद करते हैं कि इससे मेरा नाम होगा, इससे मेरा समाज में मेरी पहचान बनेगी, मैं फेसबुक पे फोटोज अपलोड करूंगा और मुझे लाइक्स आएंगे, तो यहाँ पर आप अपना फायदा देखकर उसकी मदद कर रहे हैं, ये आपका युक्तिपरक फैसला है। लेकिन अगर आप ये सोचकर उस व्यक्ति की मदद करते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे सक्षम बनाया है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं गरीब व्यक्ति की मदद करूँ, तो ये आपने फैसला नैतिकता के आधार पर लिया है। तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी किन किन रूपों में होती है। पहला तरीका है सत्ता का क्षैतिज वितरण। जब सत्ता का वितरण बराबर स्तर पे रहने वाले अंगों के बीच में कर दिया जाता है तो इसको कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का वितरण जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किया जाता है तो उस प्रकार का विभाजन क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें कोई भी अंग एक दूसरे के नीचे नहीं है, ये सब समान स्तर पर रहकर कार्य करते हैं। विधायिका क्या होती है? विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आते हैं जिनका काम होता है देश के लिए कानून बनाना। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, सभी मंत्री और प्रशासनिक सेवक आते हैं जिनका काम होता है देश में कानून लागू करने का। न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और इनका काम क्या होता है? देश में कानून की रक्षा करने का। अगर आप राजतंत्र की ओर गौर करें, राजतंत्र के बारे में सोचें, तो राजतंत्र में क्या होता था? एक राजा होता था और सारी सत्ता उसी के पास केंद्रित होती थी। वही देश के लिए कानून बनाता था, वही देश में कानून को लागू करता था, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो वही कानून, मतलब उस व्यक्ति को उसकी सजा देता था, यानी वही कानून का रक्षक भी था। तो ऐसे में क्या होता है, जब एक व्यक्ति या एक समूह के पास सत्ता केंद्रित हो जाती है तो उसके निरंकुश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो अपने मनमाने ढंग से काम कर सकता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक स्तर पर रहकर कार्य करती हैं और एक दूसरे को नियंत्रित भी करती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान के खिलाफ है,
तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। कार्यपालिका अगर सही ढंग से काम नहीं करती है तो विधायिका जो है वो काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकती है, प्रश्न पूछकर और आलोचना करके उसको नियंत्रित कर सकती है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, एक स्तर पे काम। तो ये है सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हम सेकंड पे आते हैं, दूसरा तरीका सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी ऊपर से नीचे वर्टिकली। इसमें क्या होता है, जो ऊपर होता है उसके पास ज्यादा सत्ता होती है और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सत्ता जो है वो डिक्रीज होने लगती है यानी कम होने लगती है, पावर कम होने लगता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सत्ता की साझेदारी होती है, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे केंद्र से संबंधित यानी पूरे देश से संबंधित कानून बनाती है तथा फैसले लेती है। राज्य सरकार जो होती है वो अपने अपने राज्य से संबंधित फैसले लेती है तथा कानून बनाती है। और इसी प्रकार स्थानीय सरकार जो होती है वो अपने अपने गांव, जिला या शहर के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तीसरा है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। ये समूह भाषाई भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। जब भाषाई समूह, सांस्कृतिक समूह, इस प्रकार के समूहों में भी सत्ता बांट दी जाती है तो ये भी एक प्रकार की सत्ता की साझेदारी होती है। उदाहरण के लिए हम बेल्जियम को देख सकते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का प्रावधान है। तो ऐसे सामुदायिक सरकार के होने के वजह से अल्पसंख्यकों को भी सत्ता में साझेदारी मिल जाती है। जैसे कि हमने देखा कि 1% जर्मन भाषी भी इस तरीके से अपनी सामुदायिक सरकार बना पाए। विभिन्न राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की सत्ता में साझेदारी। अब ये विभिन्न राजनीतिक दल और दबाव समूह अपनी सत्ता में साझेदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं, तो आइए पहले हम राजनीतिक दलों के बारे में जानते हैं। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, कई राजनीतिक दल जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, ये आपस में कंपटीशन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, किसके लिए, सत्ता को पाने के लिए। अगर हम लंबे समय से देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने के का चांस मिला हो। कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है, कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है। और आजकल तो क्या हो गया है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो कई पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग राजनीतिक दल बारी बारी से अपनी सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित कर ही लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ये दबाव समूह सत्ता में साझेदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं। ये दबाव समूह क्या होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं मजदूर संगठन हो गया, आपका व्यापारी संगठन हो गया, उद्योगपति संगठन हो गया। ये सत्ता को पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, इनका लक्ष्य सरकार बनाने का नहीं होता, परंतु ये सरकार की अपने समूह से संबंधित फैसले लेने की ताकत को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। सरकार को जब भी इनके समूह से संबंधित कोई फैसला लेना होता है, कोई नीति बनानी होती है, तो इनकी राय अवश्य लेती है। और अगर इनको ऐसा लगता है कि सरकार इनके समूह के हित की बात कर रही है तो ये सरकार की बात मान लेते हैं। लेकिन अगर इनको ऐसा लगता है कि सरकार की इस नीति या फैसले से हमारे समूह का अहित हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो ये सरकार पर दबाव बनाते हैं कि सरकार ये फैसला या नीति ना बनाए, ये फैसला ना ले और ये नीति ना बनाए। अब ये दबाव कैसे बनाते हैं, इनके पास कई प्रकार के हथियार होते हैं, जैसे कि ये हड़ताल पर जा सकते हैं, ये तालाबंदी कर सकते हैं, ये धरना दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो सरकार कभी कभी दबाव में आकर इनकी बात मान लेती है, तो इसीलिए इनको दबाव समूह कहा जाता है। तो इस प्रकार से दबाव समूह भी अपनी सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित कर ही लेते हैं। तो
आज हमने जो सत्ता की साझेदारी पढ़ा उसको हम समराइज करके देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी आखिर होती क्या है। आसान शब्दों में देखते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों और स्तरों के बीच तथा देश के विभिन्न समूहों के बीच शक्ति के विभाजन को ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये कौन कौन से देश थे? श्रीलंका और बेल्जियम। इनका हमने तुलनात्मक अध्ययन किया ताकि हमें समझ में आए कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। फिर हमने ये जाना कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके पक्ष में हमने दो तर्क दिए। फिर हमने ये भी जाना कि सत्ता की साझेदारी किन किन रूपों में होती है। तो आइए अब मैं आपको गृह कार्य दे देती हूं और आई होप कि आप उसको अपनी नोटबुक में करेंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में देने हैं। पहला, बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है?